हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डोमेनिया। तो कुछ समय पहले केपीआईटी पे मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे आप लोग केपीआईटी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस पर प्रॉपर मैंने एक पोस्ट लिखा था जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आज के इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि जो जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे उन्हें कंपनी रिग्रेट मेल भेज रही है। तो क्या रीजन हो सकते हैं कि हर एक क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद भी कैंडिडेट को रिजेक्शन मेल आ रहे हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस तरह का मेल कैंडिडेट को भेजा जा रहा है, जैसे रिग्रेट योर एप्लीकेशन हैज नॉट बी कंसीडर्ड अप्रैल 2021 हायरिंग ड्राइव फ्रॉम केपीआईटी फॉर फ्रेशर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बात है, डियर कैंडिडेट थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर द अप्रैल फ्रेशर 2020-21 पास आउट। We regret to inform you that your application has not been considered for further stage of the selection process because the mandatory selection criteria has not been fulfilled as per the information provided during registration. इसके अलावा बात करते हैं कि आखिर selection criteria था क्या, आखिर उन्होंने already मैंने उस video में discuss कर रखा है, लेकिन जो mail आया है इसमें यदि आपके पास ये mail आ रहा है that means कि आपका यहाँ पे कोई criteria full नहीं हो रहा होगा। इस criteria को हम लोग देखते हैं, जैसे You should have BTEC BE degree in Mechanical Engineering, Mechatronics, CSE, IT or one of the circuit branches of Engineering. चलो आप लोग यदि Engineering के candidate हो तो ये criteria आप fulfill कर लोगे। You should have minimum 70% in 10th, 12th and 60% in your graduation. तो यदि आपका percentage कम होगा तो आप लोगों को ये mail आ रहे होंगे। इसके अलावा आपका ईयर गैप नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरे को पता है कि काफ़ी कैंडिडेट या फिर सब्सक्राइबर जो मेरे होंगे जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया होगा और जिन्हें ये रिग्रेट मेल आ रहा है उनका ईयर गैप होगा। तो यदि आपका ईयर गैप है तो आप लोगों को ये मेल आया होगा, यदि आपका ईयर गैप नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि किन्हीं को भी ऐसा कुछ रिग्रेट मेल आया होगा। इसके अलावा जो 2020 और 2021 पास आउट कैंडिडेट हैं सिर्फ वो यहाँ पे एलिजिबल है। तो यदि आप 2019 2080 के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को भी ऐसा मेल आ सकता है या फिर आया होगा, आप लोगों को चेक करने की जरूरत है। तो इसके अलावा यदि आप लोग इन सभी फोर कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हो, उसके अलावा यदि आपको रिग्रेट मेल आया है तो ये एक वियर्ड सिचुएशन है, बट डेफिनेटली यदि आप लोगों को रिग्रेट मेल आया होगा तो आप लोग इन चार क्राइटेरिया में किसी एक को फुलफिल नहीं कर रहे होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट केपीआईटी के लिए रजिस्टर किए थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उन्हें वो रिग्रेट मेल आ गया है, तो बस ये कहूँगा कि आप अपसेट होने की कोई बात नहीं है। अभी बहुत सारी कंपनी आने वाली है और हर एक 2 से 4 बजे के बीच मेरे इस चैनल पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी का अपडेट डेफिनेटली आता है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। यदि आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अगेन वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके यदि कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं कल एक ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।